नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। आप नेता का बैनर वार, जी हां, आगरा में विकास कार्य न होने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने क्षेत्र में भाजपा विधायक को संदेश देते हुए होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर आप क्षेत्र के गड्ढे नहीं भरवा पा रहे तो 2022 में मैं विधायक बनकर सभी गड्ढों को भरवा दूंगा। आपको बता दें कि पूरा मामला ताजनगरी आगरा के उत्तरी विधानसभा का है, जहां भाजपा के मौजूदा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने विकास कार्य ना कराने का आरोप लगाया है। कपिल वाजपेयी ने उत्तरी विधानसभा के क्षेत्र में होर्डिंग्स और फ्लैग्स लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि विधायक जी, अगर आप क्षेत्र के गड्ढे नहीं भरवा पा रहे तो 2022 में विधानसभा के इस पूरे क्षेत्र में सभी गड्ढे भरवा दूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, तभी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी थी, पर आज जब सरकार के 6 महीने बचे हैं, उसके बावजूद भी क्षेत्र के सभी गड्ढे जस के तस बने हुए हैं। तो चुनाव का दौर लगातार जारी है, तो ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल पड़ा है। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी है, तो ऐसे में बीजेपी नेता के खिलाफ पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने, और ये कह रहा है कि 2022 में अगर विधायक बनता हूं तो फिर पूरे आगरा को गड्ढा मुक्त कर दूंगा। जय हिंद साथियों, आपको जानकारी है कि हमने आज पूरे क्षेत्र में बैनर लगवाए हैं कि विधायक जी तो काम नहीं करवा पा रहे हैं, सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, गड्ढा ही गड्ढा है चारों तरफ। जरा सी बरसात क्या हुई शहर में, पूरी सड़कें, विकास उल्टी दिशा में घुस गया। ऊपर जो सड़कें बननी चाहिए थी वो गड्ढों के रूप में नीचे जमीन में धसती चली जा रही हैं और पूरा क्षेत्र गड्ढा युक्त हो गया है। जबकि सरकार बनने के बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात को प्रमुख रूप से कहा था कि वो 6 महीने के अंदर सड़कों से गड्ढा मुक्त करवा देंगे, लेकिन अब सरकार के 6 महीने भी नहीं बचे हैं, पूरा प्रदेश लगभग गड्ढा युक्त है। आप नेता कपिल वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। कपिल जी, आप आगरा को गड्ढा मुक्त करने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2022 में अगर आप विधायक बनते हैं तो सारी सड़कों के गड्ढे आप पूरी तरह से बंद कर देंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि दिल्ली में आपने कितने गड्ढे बंद किए हैं? नमस्कार मैडम, बिल्कुल आपसे अपेक्षा भी ये थी ये प्रश्न पूछना है जी। दिल्ली में जो काम हमारे हक का था और जो हमें करना चाहिए था वो लगातार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। दिल्ली के जितने मैक्सिमम जो हमारी सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम है वो सारे गड्ढे हमारे द्वारा भरे गए। कपिल जी, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और दिल्ली से ही नौकरी करने नोएडा आती हूँ। और दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ सरकार बनी थी तब उन्होंने ये वादा किया था कि पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त कर देंगे, आप तो दोबारा सरकार बनाकर बैठे, आपने कितने गड्ढे बंद कर दिए? मैं अगर आपको एक एक तस्वीर दिखाऊं ना तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली के पॉश इलाकों का क्या हाल है। जल भराव की जिसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप बड़ी पत्रकार हैं निश्चित रूप से जानती होंगी, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गड्ढों की। आप बात कर रही हैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर यूपी सरकार की बात करेंगे तो मैं आप जहाँ सरकार बनाकर बैठे हैं मैं तो वहाँ का जिक्र करूंगी ना। मैं जहाँ पर सरकार नहीं है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ मैडम, जहाँ पर काम होना है। तो क्या आप ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो? उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का गड्ढा नहीं भरा जाए? उत्तर प्रदेश में शिक्षा का गड्ढा नहीं भरा जाए? उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का गड्ढा नहीं भरा जाए? मैडम, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप मेरा साथ देंगी और उत्तर प्रदेश में जो नरक व्यवस्था है वो गड्ढे भरे जाएंगे। कपिल जी, पहले आप ये बताइए कि आप मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनूंगा मैडम, मैं तो सुनने के लिए हूं। सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। कपिल जी, ये बताइए कि जितने पैसे आपने खर्च किए हैं इन होर्डिंग्स लगाने में, ये पैम्पलेट्स बांटने में, उतने पैसे अगर आप शायद थोड़े से सड़कों पर खर्च कर देते तो शायद आगरा की तमाम सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाती, सही कह रही हूँ मैडम? मैडम, अगर इसका चौथाई पैसे, इसके 10 गुना पैसा भी बढ़ दूं तो चौथाई की सड़कें नहीं सही होंगी। दूसरा, मैं जीवन भर टैक्स देता हूँ सरकार को,
अगर टैक्स देता हूँ तो अपना लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा कि मैं टैक्स के बदले में अपना सवाल कर दीजिए ना और काम भी करूंगा। आप भी तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम करना शुरू कर दीजिए, जनता अच्छा खासा वोट दे देगी। विपक्ष का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी बात नहीं कहूँ, जिनको पैसे दिए गए आजादी है, पैसे दिए गए सरकार को, सरकार को टैक्स किस बात का, आप किस तरह की बात करती है, कपिल जी मैं तो सही बात कर रही हूँ, आपको गलत लग रही है। मैडम मैं सही बात कर रहा हूँ कि जब मैं टैक्स चुकाता हूँ तो उस टैक्स के अधिकार को भी मांगूंगा। तो आप मुझसे करेंगे मैं पैसा लगा के रोड बनवाऊंगा, टैक्स नहीं देती। आपने कभी कल्पना करी है कि आपने आधा फुट की रोड कहीं बनते हुए देखी है प्राइवेट? आप सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप सुन ही नहीं रहे हैं। कपिल जी आवाज सुनिए मेरी और मेरी बात का जवाब दीजिए, दिल्ली की जनता क्या टैक्स देती है या नहीं, आप बस इतना बताइए मुझे। मैडम मैं दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा, मैं दिल्ली का जिक्र करूंगी ना, दिल्ली में आप दूसरी बार सरकार बनाकर बैठे हैं। अरे तो वहाँ का सवाल वहाँ पे पूछिए और वहाँ कब मिलेगा। आप पार्टी से अलग है मैडम, वहाँ पर काम हुआ नहीं होता तो तीसरी बार सरकार नहीं बनती, इसका प्रमाण है कि वहाँ काम हुआ है। वहाँ काम हुआ है, ये वहाँ की जनता ज्यादा बेहतर जानती है। आप उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे ये नहीं कह सकते कि वहाँ काम हुआ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं तो अपने नाम के आगे से आप हटा दीजिए ना। दोबारा बता देता हूँ, आप अगर मौका दे तो मैं भी बोल लूँ मैडम। बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, अब मैं चुप रहूंगी, आप बोलिए फिर जवाब दूंगी। नहीं नहीं आप मेरी बहन हो, आप खूब बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और सड़क के खड्डों को भरने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में हम लेने को तैयार खड़े हैं और वो काम उसी आधार पे की जो दिल्ली में हमने करके दिखाया है। हाँ। दिल्ली में जनता को करके दिखाया उसके आधार पे उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपका विजन ये है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब आपको काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब 2022 तो बेहद नजदीक है। अब बैनर्स लगवा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सरकार से कि सरकार ये करिए, देखिए सरकार तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन अब आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। आगे आप ये कह रहे हैं कि मैं विधायक बनता हूँ तो मैं सभी सड़कें ठीक करवा दूंगा, आप यही कह रहे हैं ना, तो अभी से काम करवा दीजिए ना। पैसे से जनता का पैसा होगा तो जनता के लिए लगा पाऊंगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। दूसरी बात ये कपिल जी कि दिल्ली, आप बार बार चिढ़ जा रहे हैं जब मैं दिल्ली का जिक्र कर रही हूँ। देखिए देश की राजधानी है, देश की राजधानी में आपकी सत्ता है, देश की राजधानी में आपकी सत्ता है, आप मेरी बात सुनिए पूरी। उसके बाद आप शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए शिक्षा की मैं बात करूं तो आपने ठीक है बहुत स्कूलों की आपने बेहतरी की है दिल्ली में, मैं मानती हूं बिल्कुल, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बहुत ही प्राइवेट से भी अच्छे लगते हैं, पब्लिक स्कूलों से भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बहुत सारे स्कूल हैं ऐसे। मैं दिखा दूंगी आपको, मैं पर्सनली आपको भेज दूंगी तस्वीरें कि कैसी हालत है। स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं तो दिल्ली में अगर मोहल्ला क्लिनिक जो आप के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किए थे, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, वो मोहल्ला क्लिनिक जहां अब कूड़ा डाला जाता है, वो कूड़ेदान बन चुके हैं, आप बताइए अब जवाब। इनके तीन, हाँ हाँ ये आपको और बता दूं, ये भ्रम आईटी सेल के द्वारा फैलाया गया उसकी आप शिकार हैं। तीन मात्र इस प्रकार के हैं जो कूड़ा घर बनाए गए थे, जिनको सरकार ने, केंद्र सरकार ने, रोग एमसीडी ने जिनको बंद करवाया है जी। उनका ढांचा वहां से नहीं हट पाया, होर्डिंग बैनर नहीं हट पाए, अन्यथा कोई स्थिति नहीं है। आज भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, देखिए मैं सरकार की हिमायती नहीं हूँ, मैं सरकार की हिमायती नहीं हूँ, लेकिन जो सच है, जो सच है वो बता रही हूँ। कपिल जी अब एक बार और सुन लीजिए मुझसे, मैं नोएडा में आती हूँ रोजाना, लेकिन नोएडा मुझे दिल्ली से साफ नजर आता है। मैडम मैं एक छोटी सी बात बोल लूँ, मुझे उत्तर प्रदेश की साफ नजर आता है और दिल्ली की भी बात बता रहा हूँ जी। ये वही दिल्ली है ना जिसने मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों को दिखाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब को लाए थे। वो गुजरात नहीं ले गए थे, वो दिल्ली लाए थे। बिल्कुल सही, वो झुकलाया नहीं जा सकता है। और सही कहा, लेकिन आज उनकी तस्वीरें कैसी हैं, आज भी उनको दुरुस्त करवाइए ना। आप यूपी की सड़कों की बात कर रहे हैं, मुझे तो बस पूरा ये लग रहा है कि दिल्ली की जनता को भी, देखिए यूपी की तो 22 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, दिल्ली की तो 3 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें भाजपा की सरकार है, सुन लीजिए अब सुनाइए, जो जिसमें केवल तीन मोहल्ला क्लिनिक जिनको बंद कराया गया है, जिसमें भाजपा की सरकार है, जिसे वहां पर काम नहीं हो रहा है, आप उनको दिखा के अगर कहो कि इनमें काम नहीं हुआ और ये हुआ। दूसरा, जहां काम हो रहा है, जहां स्वास्थ्य, आज आपको अगर बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइएगा, क्रिटिकल पोजीशन में कोई मरीज होगा
उसको अगर रेफर करा जाता है ना, तो केवल और केवल दिल्ली के लिए रेफर करा ठीक जाता है, मान लिया आपकी बात, मान लिया के लिए नहीं करा जाता है, लखनऊ के लिए नहीं करा जाता, कानपुर के लिए नहीं करा जाता। कपिल जी, कब तक ये काम की टोपी इधर उधर घुमाते रहेंगे? आप खामियां निकाल रहे हैं, आप उस चीज को ठीक भी तो कर सकते हैं। जितना पैसा आप इन चुनावों में खर्च करने जा रहे हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, जितना पैसा आप इन चुनावों में खर्च करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दुरुस्त, पूरे आगरे की सड़क थोड़ी ना बनवा दूंगा, इनका सुंदरीकरण करवा दीजिए ना इन सड़कों का, तो मोहल्ले वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा और वोट भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आम आदमी पार्टी को एक अच्छी पैच जो है वो बन जाएगी। शुरुआत कर रहा हूँ, मेरी बिल्कुल आपने सही मुझे वो दिया है, आइडिया दिया है इनको काम कराने के लिए। मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अपना पेटीएम नंबर आपको भेजता हूँ मैडम, मुझे सहयोग करिएगा, 101 रुपए आपकी दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से इन सड़कों को सही करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए कपिल जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत शुक्रिया आपका, आगरा के लिए आप इतना सोच रहे हैं। तो कपिल वाजपेयी जी, आप नेता जो हमारे साथ बने हुए, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आगरा में कई सड़कें ऐसे हैं जो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं, उनमें पानी भर रहा है। वो कहते हैं कि 2022 में अगर वो विधायक बनकर आते हैं तो वो इन सड़कों को दुरुस्त कर देंगे। देखिए आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ही कम जगह पर ये गड्ढे हैं। अगर पार्टी इतना ही ज्यादा जनता के बारे में सोच रही है तो चुनाव में जो पैसा लगाने की तैयारी हो रही है वो यहां पर भी लगाया जा सकता है और चीजें दुरुस्त की जा सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। मंदिर के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, काफी दिनों से यह चल रहा है। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थल पर कब्जा किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सहारनपुर के हकीकत नगर चौक स्थित रामलीला मैदान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को 7 दिन का समय देते हुए ज्ञापन सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर सदर बाजार क्षेत्र के गाँव छिदबना में बने 200 साल पुराने हिंदुओं के धार्मिक स्थल को अन्य समुदाय के लोगों से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो वो खुद पहुंचकर धार्मिक स्थल को कब्जा मुक्त कराएंगे। ऐसी तस्वीरें सहारनपुर से लगातार सामने आ रही है। तो बजरंग दल कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और मंदिर को लेकर ये पूरा विवाद लगातार सहारनपुर में बना हुआ है। इससे पहले देवबंद को लेकर भी विवाद हो रहा था और अब मंदिर को लेकर विवाद चरम पर है। तो सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थल पर कब्जा किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सहारनपुर जनपद के और सदर तहसील के अंतर्गत छिदबना गांव के अंदर और लगभग 200 वर्ष पुराने धार्मिक स्थल को, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, कुछ समय पहले मुस्लिमों के द्वारा उसको चारों तरफ से दीवार कर उस पर कब्जा कर लिया गया, एक गेट लगा दिया गया और वहां पर हिंदू समाज को पूजा करने में समस्या आ रही है। प्रशासन को कई बार अवगत कराया परंतु कोई संज्ञान प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, अगर एक हफ्ते के अंदर उक्त धार्मिक स्थल पर हिंदुओं को काबिज नहीं किया जाता और उनको पूजा पद्धति नहीं की जाती तो बजरंग दल आंदोलन करेगा और स्वयं वहां पर जाकर उस धार्मिक स्थल को मुक्त कराने का कार्य करेगा। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुराने मंदिरों पर कब्जे को लेकर जो प्रदर्शन है वो देखा जा सकता है। सहारनपुर का एक पूरा मामला है जहां पर बजरंग दल ने जिलाधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है। काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि 200 साल पुराना मंदिर है जिस पर दूसरे समुदायों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, बजरंग दल ऐसा नहीं होने देगा और अगर ऐसा होता है तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी सिलसिले में ज्ञापन भी यहाँ पर जिलाधिकारी को सौंपा गया है। तो सहारनपुर में ये लड़ाई लड़ी जा रही है मंदिर को लेकर। इससे पहले अगर सहारनपुर की मैं बात करूं तो देवबंद को लेकर लगातार बजरंग दल के जो कुछ नेता हैं वो कहते हुए नजर आए थे, बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि देवबंद का नाम बदला जाना चाहिए, जिस तरह से सरकार दूसरे जिलों का नाम बदल रही है वैसे ही सहारनपुर में देवबंद का नाम भी, जो शहर का नाम है वो बदला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का इतिहास रहा है महाभारत काल का और दारुल उलूम इस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। दारुल उलूम का इतिहास सिर्फ 100-150 साल पुराना है लेकिन महाभारत का इतिहास 1000 साल पुराना है, तो इसी वजह से यहाँ पर अब इसका नाम बदला जाना चाहिए। दूसरी तरफ सहारनपुर से ही एक और तस्वीर सामने आ रही है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठा हो गए और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे मंदिर पर, यानी कि 200 साल पुराने मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है जो हम होने नहीं देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में संज्ञान लें, अगर नहीं लिया जाता तो बड़ा
आंदोलन आगे किया जा सकता है। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला जहां पर बजरंग दल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, दरअसल ये पूरा विवाद मंदिर को लेकर है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो 200 वर्ष पुराने मंदिर को बचाने की कवायद कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए कपिल वोरा बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। कपिल जी, जिस तरह से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और 200 साल पुराना मंदिर ये बताया जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि किसी दूसरे समुदाय ने इस पर कब्जा कर लिया है, हम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, आगे क्या तैयारी है? ये कौन सा मंदिर है और कौन सा समुदाय इस पर कब्जा कर रहा है? ये सहारनपुर जनपद के और सदर तहसील के अंदर गाँव पड़ता है और इस गाँव के अंदर लगभग 200 वर्ष पुराने धार्मिक स्थल पर वहाँ के मुस्लिमों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। उन लोगों के द्वारा प्रशासन में शिकायत की गई तो प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद वो लोग हमारे पास आए तो हमने मामले की जांच कराई, मौके पर जाकर देखा तो सच में उस धार्मिक स्थल को मुसलमानों के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। देखिए, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे आप, कब तक हिंदू मुसलमान करेंगे? अगर मंदिरों पर कोई समस्या होगी, मठ मंदिर का कोई अपमान होगा तो बजरंग दल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर कानून किस लिए, ये बताइए मुझे, कानून के पास वो जा चुके, कानून से 20-30 प्रार्थना पत्र कम से कम जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने दे दिए हैं। जब कानून कुछ नहीं कर रहा है तो फिर क्या रास्ता है? फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा? कानून क्यों नहीं करेगा? आपकी उम्मीद कानून से इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है? इसीलिए हम कानून को ज्ञापन देने के लिए गए। कानून आप अपने हाथ में ले लेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, आपसे सौहार्द खत्म कर देंगे। वैसे ही सहारनपुर में इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान होता है। अगर मंदिरों पर कोई कब्जा करने का प्रयास करेगा तो हम लोग उसको पहले ये बताइए कि मंदिर पर कब्जा कैसे किया गया, क्या मंदिर को कोई क्षति पहुंचाई गई है, क्या वहां पर आपका प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, क्या ऐसी चीजें हो रही है? वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, उसको काटने का प्रयास किया गया, लगभग 150 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है, उस पर कुल्हाड़ी के निशान लगे हुए हैं, अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए ठीक है, जो ठीक है, मान लिया एक पेड़ को काटने की कोशिश की जा रही है, क्या उस वक्त आप मौजूद थे जब पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी गई थी? आपने देखा वो किसने मारी कुल्हाड़ी, बताइए मुझे। वहाँ के ग्राम मास्टर के द्वारा विरोध किया गया, मुस्लिम उसको काटने का प्रयास कर रहे थे, वो ये साबित करना चाहते थे कि यहाँ पर कोई पुराना धार्मिक स्थल नहीं है। अगर वो पेड़ वहाँ से हट जाता तो ये कोई बता ही नहीं सकता था कि वहाँ पर इतना पुराना धार्मिक स्थल है। पेड़ उसकी स्थिति को साबित करता है कि वहाँ पर बहुत पुराने समय से हिंदू रीति रिवाज से पूजा हो रही है। देखिए, पूजा हो रही है लेकिन इसका जो हल है वो कानून द्वारा ही निकाला जा सकता है। इस तरह से आप प्रदर्शन करेंगे और वैसे अभी भी कोरोना क्राइसिस बने हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकती हूँ आपने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, तो इस चीज को समझिए, आपसी सौहार्द बनाकर रखिए, ये बेहतर होगा क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं तो माहौल खराब होगा आने वाले समय में। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कपिल जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो बजरंग दल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, उनका मानना है कि 200 सालों से वहाँ धार्मिक स्थल था, वहां पर जो मुस्लिम है वो कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच भी बैठाई जा रही है। तो सहारनपुर का ही पूरा मामला जहां पर बजरंग दल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही साथ ये कहा है कि वहां पर पीपल का एक पेड़ है जो कि 100-150 साल पुराना है, उसे काटने की कोशिश की जा रही है मुस्लिमों द्वारा। नकली आईपीएस असली धमक, कानपुर में फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहे एक शख्स को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। आरोपी डीसीपी ट्रैफिक को फोन कर गाड़ी छुड़ाने के लिए दबाव बना रहा था, फर्जी आईपीएस बनकर धमक दिखा रहा इस शख्स का नाम आशुतोष त्रिपाठी बताया जा रहा है, जिसके पास से एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी आशुतोष त्रिपाठी पहले भी ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है, जब 2014 में रॉ का एजेंट बनकर आरोपी थाने पहुंच गया था। वहीं पूरे मामले पर डीसीपी ट्रैफिक का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। दिनांक 16 तारीख को, इसी महीने 16 तारीख को एक मुझे सुबह करीब 11:30 बजे एक कॉल आया था आशुतोष त्रिपाठी नामक।
उन्होंने अपने आप को IPS बताया और NTRO नेशनल ट्रेनिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बताया और एक पर्टिकुलर चलान को निरस्त करने के लिए बात हो रही थी। तो पहले इन्होंने ये कहा कि निरस्त करने कर सकते हैं क्या या नहीं, तो हमने जेन्युइन रीज़न से निरस्त कर सकते हैं अगर कुछ रीज़न होना चाहिए, हमने ये कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने NTR मैंने उनके बैच पूछा था तो वो सही जवाब नहीं दे पाया और घूम फिरा के बात कर रहा था कि मैं NTR को मैं ऑब्जर्व हो गया हूँ, अभी IPS का वो बैच नहीं रहा वगैरह वगैरह कह रहे थे। महापंचायत में गठवाल खाप और दोफार होती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में बीजेपी विधायक के काफिले पर हुए पथराव के बाद राजनीति अब और गहराती जा रही है। रोजाना इस प्रकरण में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं आज शामली में गठवाल खाप के थामेदारों ने एक पंचायत का आयोजन किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 5 सितंबर को होने वाली भाकियों की महापंचायत में गठवाला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और भारी संख्या में गठवाला खाप के लोग महापंचायत में शिरकत करेंगे। अपना परिवार है, अपने परिवार में आए, 5 तारीख के बारे में इन्हें जागृत करा। वैसे तो पहले से ही सक्रिय है खूब, पर एक नई ऊर्जा से आ जा, अच्छा लगे अपने परिवार में, अपने जो मिलने वाले जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे मिलने का एक ठीक रहा। और 5 तारीख के बारे में ये तन मन धन तो तैयार है, बहुत ज़्यादा आदमी जाओ। संजीव बालियान जी को आपने आदेश दिया इस मामले को निपटाने, तो क्या कोई बात उनकी तरफ से आएगी अभी तक? नहीं, वो तो वही जाना हमने तो वही तो कहा भाई, इसे निपटाओ, हमने को जिम्मेदार है भाई। आज नाकमा पंचायत किसान आंदोलन के विषय पर 5 तारीख में जो पंचायत होने जा रही उसी पर पंचायत थी। बटवाड़ा खाप की तरफ से सभी भाइयों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 5 तारीख में गठवाड़ा खाप तन मन धन से और दल बल के साथ मुझे अपने घर पहुँचे। कहने का मतलब है हमारा, हम कहेंगे, कहने का अधिकार भी है, हम समाज के नुमाइंदे, हम कहेंगे भाई। बात ऐसी है ना, उमेश की गैल कोई तकरार है, ना कोई संजीव बालियान की गैल तकरार है, ना कोई मेरी गैल तकरार है, तकरार जो है सरकार की गैल है। वाला खाप का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरा मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक पर हमले के बाद राजनीति गहराती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अब भाकियों के समर्थन में गठवाला खाप जो है वो दिखाई दे रहा है। तो शामली का ये पूरा मामला है। अब एक महापंचायत का यहाँ पर आयोजन होना है जिसको लेकर जो गठवाल खाप के लोग हैं वो लगातार भाकियों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अब भाकियों के साथ हैं और ऐसे ही वो भाकियों का समर्थन करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। इसी बीच जब मंत्री बिलासपुर तहसील के गांव चौथिया हिलगी में किसानों की बैठक को संबोधित कर रहे थे तभी किसानों ने कृषि संशोधन कानून को रद्द करने की मांग को लेकर मंत्री का जमकर विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर किसान नेताओं और पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई है। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। हिंसक झड़प जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है। तो किसानों ने राज्य मंत्री को काले झंडे दिखाए हैं। दरअसल यहां पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इसी बीच जब मंत्री बीसलपुर तहसील के गांव चटिया हिलगी में किसानों की बैठक को संबोधित कर रहे थे तभी किसानों ने कृषि संशोधन कानून को रद्द करने की मांग को लेकर मंत्री का जमकर विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए, जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर किसान नेताओं और पुलिस की तीखी नोकझोंक भी कैमरे में कैद हो गई है, जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि वक्त रहते इस पूरे मामले को शांत कराया गया है। दरअसल मौका था राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के दौरे का और पीलीभीत से मेरे सहयोगी प्रांजल गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रांजल, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे लेकिन जब वो किसानों को संबोधित करने लगे तो किसान भड़क गए। आखिर वो कौन सी बातें थीं जो किसानों को इतनी बुरी लग गई?
जी आपको बताना चाहेंगे, आज पीलीभीत जनपद के बीसलपुर तहसील में शक्तिराज उत्तर प्रदेश सरकार के शक्तिराज मंत्री बलदेव सिंह एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत जनपद की बीसलपुर तहसील में संबोधित करने किसानों को पहुंचे थे, जहां जो है लगातार जो इस समय जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है लगातार, और किसान विरोधी कानून को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं नाराज थे। तो इस बात को लेकर जब संबोधन कर रहे थे उसी दौरान जो है उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया है इस दौरान। हेलो जी, आवाज आ रही है? प्रांजल देखिए, तस्वीरें जो हैं यहाँ पर काला झंडा दिखाते हुए जो किसान हैं वो नजर आ रहे थे, और इसके बाद पुलिस से भी नोकझोंक हुई है, क्या मामले को फिलहाल शांत करा लिया गया है? जी जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना मिली, मौके पर पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर पहुंचा और किसानों से जो जो काले झंडे जो दिखाए जा रहे थे उनका जो विरोध कर रहे थे उनसे काले झंडे छीने गए और उनको जो है मामला शांत कराया गया है पूरे मामले। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कृषि कानून को वापस लेने की मांग यहां पर किसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर पुलिस के साथ नोकझोंक झड़प करते हुए भी किसान जो समर्थक है वो भी नजर आ रहे हैं, किसान भी नजर आ रहे हैं, इनके हाथों में काले झंडे हैं जो कि इन्होंने मंत्री को दिखाए और यहाँ पर जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल कृषि कानून को लेकर ये नाराज नजर आ रहे थे। नोएडा में बेखौफ बदमाश लाखों के लिए। नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने तेल व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट कर ली। थाना 39 क्षेत्र के हाजीपुर के पास स्कूटी सवार एजेंट से तमंचे के बल पर बदमाश लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पूरी घटना दिल्ली के अग्रवाल एंड सन्स तेल कारोबारी के कलेक्शन एजेंट सुखबीर के साथ हुई है, जब वो नोएडा में दुकानों से पैसा इकट्ठा कर वापस दिल्ली जा रहे थे। इस बीच एक सड़क पर सवार 3 बदमाशों ने उनकी स्कूटी को तमंचे के बल पर हाजीपुर के पास रोक लिया और करीब 15 लाख रुपए लूट कर वहां से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने आनंद फानंद में इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए। इसी बीच ज्वाइंट सीपी लव कुमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, साथ ही आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।